विशेष स्नेह मिला। मैं दो मिनट की एक छोटी सी कविता सुना के अपना स्थान लेता हूं। दो मिनट की एक मात्र कविता आप लोग बहुत अद्भुत सुन रहे हैं। पहली ही लाइन आप लोगों तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। मेरे मित्र ने कहा, यार ये सरकार गिरेगी। मेरे मित्र ने कहा, यार ये सरकार गिरेगी। मैंने पूछा, और कितनी? बोला मतलब? मैंने कहा, ये सरकार तब गिरती है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, सरकार तब गिरती है जब सिलेंडरों की संख्या घटाती है, ये सरकार तब गिरती है जब 33 रुपए खर्च करने वाले को अमीर बताती है, ये सरकार तब गिरती है जब निहत्थी भीड़ पर लाठी चार्ज करवाती है, और तो और ये सरकार तब गिरने के सभी आयाम तोड़ देती है जब कानून की आड़ में खूंखार दरिंदे को नाबालिग कहकर छोड़ देती है, और तो और ये सरकार तब गिरने के सभी आयाम तोड़ देती है जब कानून की आड़ में खूंखार दरिंदे को नाबालिग कहकर छोड़ देती है। वैसे गिरने में हम खुद कौन से कम हैं? हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। क्या बात है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे बापू आशाराम के दास हो गए। अब मित्रों आप लोगों की तालियां अगली पंक्तियों पे चाहता हूं। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहां वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।